शिवराज सिंह चौहान के बाद उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान अपने जिले में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। कार्तिकेय सिंह चौहान का आभार सम्मेलन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि शिवराज के युवराज कह रहे हैं कि दिल्ली डर रही है, यह 100% सच है। जीतू पटवारी ने आगे लिखा कि देश भी डरे हुए तानाशाह को गौर से देख रहे हैं। डर पार्टी के अंदर असहमति की आवाज का, डर बड़े नेताओं की बगावत का, डर गठबंधन के प्रबंधन का, डर समर्थन की सरकार के गिरने का, डर टिकी हुई है कुर्सी के हिलते हुए पांव का। टीम बीजेपी यह मत सोचिए कि शिवराज की विरासत में कोई बच्चा है, लेकिन यह जरूर देखिए कि यह डर अच्छा है। गौरतलब है कि सीहोर के भेरुंडा शिवराज सिंह जीत के बाद उन्होंने जनता का आभार व्यक्त करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया था। वहीं इस कार्यक्रम में शिवराज की पत्नी साधना सिंह भी पहुंची थी और कार्तिकेय चौहान ने भी जनता को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि दुनिया ने हमारी बहुत परीक्षा ली है, मैं आपसे मुझमें और पिता शिवराज में कोई फर्क नहीं समझता। 2023 के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान पर उंगलियां उठाई गई थी कि सरकार बनना मुश्किल है, लेकिन जनता ने विपक्ष बुद्धिजीवियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। कार्तिकेय चौहान ने पिता शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहा कि हमारे नेता मुख्यमंत्री के तौर पर काफी लोकप्रिय थे, लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो ज्यादा लोकप्रिय हो गए। प्रचंड जीत के बाद जब हमारे नेता गए हैं तो पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनकी सबसे बड़े नेताओं में गिनती की जाती है।